तो गाइस क्या हालचाल आप सभी के, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द स्टंट डूड पर। तो गाइस हम लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं क्योंकि चॉप ने हमें एक रैम चैलेंज के लिए बुलाया था। अभी जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा वरना वो बहुत ज्यादा भड़क जाएगा। पर ये शिनचैन कहाँ चला गया? शिनचैन ओहो भाई साहब, वो रहा, कर क्या रहा है आखिर में वो? अबे नजारों के मजे ले रहा है क्या? अरे नहीं डूड भैया, मैं बहुत ज्यादा ही बोर हो गया था तो मैंने सोचा थोड़ी देर पुल के पास बैठ जाता हूँ। वैसे तुझे पता है ना चॉप ने अपने को बुलाया था, अब चल जल्दी से। अच्छा ठीक है आता हूँ। तो गाइस जल्दी जल्दी जाते हैं वरना आपको तो पता ही है चॉप क्या करेगा। तो गाइस ये रही अपनी प्यारी प्यारी बाइक, अब जल्दी से इस पर बैठता हूँ। शिनचैन आ जा जल्दी। तो गाइस अब जल्दी जल्दी चलते हैं यहाँ से, इससे पहले के कुछ ज्यादा ही लेट हो जाए। अरे ये तो आपकी बाइक है ना जो आपने जीती थी? वाह बेटा बहुत जल्दी पहचान गया। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, ये बाइक मुझे भी बहुत पसंद आई थी, मैं तो सोच रहा था इसको चोरी कर लूँ। और चोरी करके रखेगा कहाँ पर, रहता तो तू मेरे घर में। अरे हाँ ये बात भी है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। शिनचैन मुझे लगता है हमें यहाँ से जाना है। गाइस यार सीढ़ी उतरनी पड़ेगी। ओहो भाई साहब, अरे चॉप भी पता नहीं कहाँ कहाँ पर रैंप बना देता है, एक नंबर का पागल कुत्ता। गाइस यार कहाँ पहुँचेंगे? उफ सीढ़ियों पे तो हालत खराब हो जाती है, चॉप कहीं दिखाई नहीं दे रहा, पर रैंप तो पक्का यहीं पर है। जल्दी से जाके उतरते हैं। शिनचैन आ जा, इस रैंप को देख के तो ऐसा लग रहा है ये रैंप डूब जाएगा। ओहो ये क्या, यहाँ पर तो कुछ लोग भी है। गाइस ये लोग तो फिशिंग कर रहे हैं। चॉप यार कोई काम ढंग से नहीं करता, कम से कम जगह तो खाली करवा देता। अरे ये सब छोड़ो ना, आपको इनसे क्या मतलब है, आप अपनी रैंप पर ध्यान दो ना। चॉप को फोन लगाते। गाइस आखिर में यहाँ पर करना क्या है? हेलो चॉप। हाँ बोलो डूड भैया। अरे हम लोग पहुँच गए, बता दे के करना क्या है। पहली बात तो आप वापस से लेट हो। अब सुनो, आपको ये जो रैम दिखाई दे रहा है ये एकदम समुद्र से टच है, इसमें पानी की लहरें आपके लिए डिफिकल्टी पैदा करेगी और जो भी ये रैम कम से कम टाइम में पूरा करेगा वो जीत जाएगा। पर संभल के करना, आप समुद्र की पानी की वजह से फिसल भी सकते हो, तो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। तो गाइस एक काम करते हैं, हम लोग ही पहले जाते हैं। अरे नहीं नहीं ऐसा मत करो, मुझे पहले जाने दो। अच्छा ठीक है बाबा तू जा। अरे ये हुई ना बात, कितनी आसानी से मान गए। गाइस यार जल्दी से जाते हैं, जाके अपनी बाइक पर बैठ जाता हूँ। आपको तो पता ही है क्या करना है, जल्दी से मेरे लिए लाइक कर दो और कमेंट कर देना टीम शिनचैन ओपी। ओहो ये क्या, स्टार्टिंग में ही गोल गोल घूमने वाली चीज है। पर चलो कोई बात नहीं, ये रास्ता थोड़ा ज्यादा चौड़ा है, मैं साइड से निकल जाऊंगा, मुझे बस इंतजार करना है। ये मैं निकल गया, मत क्या बात थी। अरे ये क्या, इस रास्ते के ऊपर तो पानी आ रहा है। अरे शिनचैन मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि पानी तुम्हारे लिए डिफिकल्टी पैदा कर सकता है, थोड़ा संभल के खेलना वरना तुम पानी की लहरों के साथ बह जाओगे। अरे मैं किसी के साथ नहीं बहने वाला, मेरा नाम शिनचैन नोहरा है, तुम बस देखते जाओ मैं कितने जल्दी ये पूरा कर दूंगा। गाइस बस ये लास्ट वाला बच्चा है, जल्दी से इसको भी क्रॉस कर देते हैं। ये हम चले, कितने जल्दी मैंने ये सब पूरा कर दिया। अरे बाप रे यहाँ पर तो बहुत सारे पत्थर है, कहीं मैं यहाँ पर फिसल ना जाऊं। एक तो ये बाइक भी यहाँ पर बहुत ज्यादा अटक रही है, मुझे संभल संभल के काम लेना होगा, कहीं स्पीड करने के चक्कर में मैं नीचे ना चला जाऊं। बस थोड़ा 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 और ये थोड़ा सा बाकी है। अरे यार आगे क्यों नहीं जा रही, चलो फाइनली गई। आउच 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 ये क्या हो रहा है। अरे डूड भैया यहाँ पर तो बहुत ज्यादा झटके लग रहे हैं। आउच शिनचैन फटाफट वहाँ से निकल, बाइक को थोड़ी स्पीड कर। अरे हाँ वही कर रहा हूँ। ये क्या आगे का रास्ता तो ऊपर नीचे हो रहा है। अरे बाप रे मुझे तो बहुत ज्यादा ही डर लग रहा है, कहीं ये मुझे हवा में ना उड़ा दे, मुझे जल्दी से इसको क्रॉस करना होगा। शिनचैन मैंने तुमसे कहा था ना पानी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी पैदा करेगा, इसकी लहरें तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगी, तुम्हें अपने दिमाग से काम लेना होगा वरना यहाँ पर तो गिरने के चांस बहुत ही ज्यादा है। ऊपर से तुमने ऐसी गोल गोल चीजें लगाई है जो जल्दी फिसलती है। ये मैं पहुँच गया हूँ, बस थोड़ा सा रास्ता बाकी है, कैसे भी करके इन लकड़ियों से आगे निकल जाऊँ। चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी, वह क्या बात है आखिरकार मैं जमीन पर पहुँच गया। अरे इतना खुश मत हो, अभी तो रैम बाकी है, ये तो तुमने आधा रास्ता ही क्रॉस किया है। अरे क्या बात कर रहे हो, मुझे तो लगा था ये पूरा हो गया। नहीं नहीं अभी तो बहुत बाकी है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वाला बाकी है। अरे हाँ वो तो मुझे दिख ही रहा है, एक तो इतना पतला रास्ता, उसके ऊपर से तुमने बहुत सारी बॉल लगा के रखी है, मुझे बस जोर से इन बॉल को हिट करना है ताकि ये भी फूट जाए और मैं भी आगे निकल जाऊँ। पर उसके साथ मुझे अपने बाइक के ब्रेक पर हाथ रखना होगा, अगर मेरी बाइक सही टाइम पर नहीं रुकी तो मेरा टाइम और ज्यादा वेस्ट हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर नीचे गिरूँ, धीरे धीरे करके जाता हूँ। चलो जैसे तैसे करके यहाँ पर तो पहुँच गया। शिनचैन यार पहली बार तुझे देख देख के मुझे ज्यादा डर लग रहा है, एक तो ये रैम समुद्र के इतने ज्यादा पास में ना। अरे हाँ ना डूड भैया मैं भी उसी बात से डर रहा हूँ, पर मैंने तो जैसे तैसे करके पूरा कर लिया। अरे अभी पूरा हुआ नहीं है, अरे मेरा मतलब कि मैं बहुत ज्यादा आगे निकल गया हूँ, सोचो आपके टाइम क्या होगा। मैं तो बोलता हूँ पहले ही हार मान जाओ। क्या तुझे बस मौका चाहिए ना? अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो आपकी भलाई के लिए बोल रहा था। तू तो रहने दे, मेरी भलाई मत सोच, मुझे पता है तू किस लिए बोलता और किस लिए नहीं। अरे बाप रे अभी तो गिर जाता। चलो बार बार बच्चा अब बस थोड़ा सा बाकी है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर गिरूं,
क्योंकि अगर मैं यहाँ पर गिरा तो मेरा बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। एक तो ये रास्ता बहुत ही ज्यादा आड़ा टेढ़ा है, ऊपर से ये पानी की लहरें, पर मुझे हिम्मत रखनी होगी क्योंकि बस कुछ ही देर में मैं अपनी मंजिल के पास पहुँच ही जाऊंगा। चोप, मुझे तुम यहाँ से दिख रहे हो? हाँ शिनचान, मैं भी तुम्हें देख सकता हूँ, तुम बस जल्दी से पहुँच जाओ। अरे ये क्या, इस बोतल पर तो पानी चल रहा है, जल्दी जल्दी जाता हूँ इससे पहले कि लहर वापस से आए। ये तो वापस से आ गई। चोप यार, मैं क्या करूँ, मुझे डर लग रहा है। शिनचान इतना मत डरो, तुम जितना डरोगे ना उतना ही गड़बड़ होगा। एक काम करता हूँ, बाइक को स्पीड में भगाता हूँ। ये मैं चला। अरे इस प्लेटफॉर्म पर भी पानी की लहरें आ रही है। अब बाइक को यहाँ पर रोकता हूँ और जाता हूँ चौप के पास। देखो चौप, मैं आ गया। मैंने कितने जल्दी एनएम पूरा किया ना, वो तो अब डूड भैया के बाद ही पता चलेगा। डूड भैया आप तैयार हो तो जल्दी से एनएम को शुरू करो। मेरा भाई हमेशा तैयार रहता है, तुम लोग बस अभी देखते जाओ मैं कैसे करता हूँ। तो गाइस जल्दी से जाकर अपनी बाइक पर बैठते, तो गाइस जल्दी से मेरे लिए लाइक कर दो, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरे टीम वाले जल्दी से कमेंट करो टीम डूड ओपी। तो गाइस हम अपने पहले पड़ाव में पहुंच चुके हैं, यहाँ पर बस टाइम का खेल है, और ये हम चले। ओ भाई साहब टकरा गया। कोई नहीं, अभी भी हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है। अब भाई यार इन लहरों की तो मैं जो भी लेट करवा रही है ना, लहरें ही करवा रही है। एक तो इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है, शिनचान के टाइम तो यहाँ तक पानी नहीं आ रहा था। अरे अपने अपने लक की बात होती है, आपका तो लक्की खराब है, मैं क्या करूँ। कोई नहीं शिनचान, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। गाइस हमें जल्दी जल्दी जाना होगा, बस ये लास्ट वाला बाकी है, अब यहाँ से आगे निकलते हैं। ओ भाई साहब इतने सारे पत्थर, ये रास्ता थोड़ा तकलीफ दे सकता है, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलते हैं। लहर आ रही है। नहीं, बच गए। गाइस अपनी वाट लगने वाली है क्योंकि वो रास्ता आ गया जहाँ पर बिजली के झटके। आउच। नहीं, चौप यार ये चीजें क्यों रखता है तू। आउच गाइस यार, क्या जोर जोर से झटके लग रहे हैं। अरे यहाँ पर तो मेरी भी वाट लग गई थी, अगली बार से ऐसा कोई रास्ता मत रखना चौप। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। गाइस यार फाइनली वहां से आगे निकले, थोड़ी देर और बिजली के झटके खाए होते ना तो अपने बाल खड़े हो जाते। जरा ये रास्ता तो देखो। नहीं, नीचे नहीं गिरना डूड, इज्जत का सवाल है। प्लीज। शिट यार मैं तो यहीं पर गिर गया। गाइस जल्दी उठ इससे पहले कि बाइक पानी में चली जाए। जल्दी से बाइक को उठाते हैं। ओहो बार बचे। अबे नहीं यार, हो गया इज्जत का कचरा। अभी मुझे थोड़ा और स्पीड में जाना होगा क्योंकि आधा टाइम तो ऐसे निकल गया है। जल्दी। कम ऑन डूड, तुम कर सकते हो, हमें बस हार नहीं माननी है। गाइस बस ये एक दो स्टेप बाकी है, ये भी पूरे हो जाएंगे। इतने ज्यादा डिफिकल्ट रास्ते, ऐसी गोल गोल चीजें रखी क्यों है जब पानी वाला रास्ता है तो। चौप तुझे पता है ना कितनी फिसलन होती है। अरे हाँ पता है ना, बिल्कुल अच्छे से पता है, इसलिए तो रखी है। वाह तुम तो गुरु निकले। अरे थैंक यू, अब इतनी भी तारीफ मत करो। ये डायलॉग तो शिनचान वाला हुआ ना। अरे क्या बात कर रही हो चौप, तुमने मेरा डायलॉग चुराया। गाइस यार हमारी बाइक फिर से अटक गई, पर मैं उतरा क्यों था, मुझे लगता है मेरी बुद्धि घास खाने गई है। क्या कर रहा हूँ मैं, जल्दी, इतना फालतू का टाइम है मेरे पास, इतना टाइम वेस्ट कर दिया हमने। आधा रास्ता तो कंप्लीट हो गया है, बस आधा बाकी है। बस बात यह है कि ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि आप देख ही सकते हो, एक तो इतना पतला रास्ता, ऊपर से बड़ी बड़ी लहरें आ रही है, ऊपर से इसने बीच में बॉल रख दिए जिसको के फोड़ते हुए जाना है कि झटके के मारे में नीचे ना गिर जाओ। वैसे आज नसीब थोड़ी अच्छी नहीं चल रही है, स्टार्टिंग में बड़ी बड़ी हुल तो दे दी, उसके बाद हम दो बार गिर चुके और नॉर्मल नहीं गिरे, टाइम वेस्ट करते करते गिरे हम लोग। कोई नहीं, बड़े बड़े रैंप में ऐसी छोटी बातें तो होती रहती है। तीन चार बॉल और बाकी, इनको भी फोड़ते फटाफट। ये गई पहली, अब जाते दूसरे के पास। ओहो गाइस दो तीन नहीं है, यहाँ तो अभी पूरी की पूरी लाइन बाकी है। मैं भी अंधा हो गया सच्ची में, खाली एक साइड का ही देख रहा था। चलो कोई नहीं, अभी एक दो नहीं है तो क्या हुआ, आगे जाके तो बस एक दो ही बचने वाली है ना। अरे आप क्या गिनती करने बैठ गए, जल्दी करो, आपको पता है ना आपका कितना टाइम निकल गया है। चौप यार बताने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे एकदम अच्छे से पता है, पर मैं क्या कर सकता हूँ। चौप यार अगली बार पानी के इतने नजदीक रैंप मत रखना, तुझे पता है ना कितना मुश्किल होता है। एक मिनट, अगली बार तू नहीं, अगली बार मैं रैंप रखता हूँ और वो भी पानी के नजदीक, तब तू करके दिखाना। अरे ये क्या बात हो गई, ये तो बदले वाली बात है, आप ऐसा थोड़ी ना कर सकते हो। कर तो नहीं सकता, पर मैं करूंगा, अच्छे से करूंगा, फिर ही तुझे पता चलेगा। अरे आप तो चिढ़ गए, ऐसा थोड़ी होता है। चौप जंग और रैंप में सब जायज है। अरे क्या खुद के नए डायलॉग बना रहे हो, जंग और प्यार में होता है वो, मेरे लिए जंग की जगह रैंप है। अरे पर आपने तो प्यार की जगह रैंप बोला था ना। अरे हाँ ना वही ना, कितना नुक्स निकालता है। चलो गाइस बातों में पता ही नहीं चला पर हम लोग काफी ज्यादा नजदीक पहुंच गए, अब बस थोड़ा सा बाकी है और हम लोग जल्दी से वहाँ पर पहुंच जाएंगे। बस इस बोतल को क्रॉस कर दूं इससे पहले कि लहरें यहाँ तक पहुंचे। वैसे तो लहरें छोटी छोटी आ रही है, अभी यहाँ पर रुक जाता हूँ वरना पानी के साथ बह जाऊंगा। ओहो ये क्या, अभी छोटी छोटी बोली तो अभी बड़ी आने लग गई। भगवान चाहते क्या हो, क्या चाहते हो, मैं नहीं जीतूं, पर हम तो चाहते गाइस बाइक को जल्दी से भगाता हूं। नहीं यार फिर से लहर, फालतू में स्लो हो गया, क्या हो रहा है ये। शिट यार गाइस यार डर के मारे तो मैं
नीचे गिर गया। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे जीतने में बहुत सारे विघ्न आने वाले हैं। चलो जैसे तैसे करके यहाँ तक पहुँचे तो सही। अब जल्दी से जाके बाइक को रोकता हूँ और जाता हूँ उन दोनों के पास। वैसे मुझे पता तो है कि आज होने क्या वाला है, तो चौप बिना किसी देरी के जल्दी से बता दे। अरे इसमें बताना क्या, पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि कौन जीतेगा। अरे हाँ ना चौप, फिर भी तुम इनको बता दो, इनके दिल को तसल्ली मिलेगी। अच्छा ठीक है बताता हूँ। तो आज जो जीता है उसका नाम है शिनशान। अरे ये तो मुझे पहले से ही पता था। गाइस ये रहा अपना इनाम, जरा देखो तो सही, एक और कार मिल गई और वो भी ओपन वाली। इसमें तो मैं हवा खाते खाते जाऊंगा, तो जल्दी से इसके लिए लाइक कर दो। अब इसको भी मैं अपने गैराज में लेके जाता हूँ, आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसी के साथ फॉलो कर लेना मेरे इंस्टाग्राम पेज को, आईडी स्क्रीन पर आ रही होगी, तो जल्दी से जाओ। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। जय हिंद।